एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं गाजर और पालक की इडली। तो उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 कप सूजी ले ली है और 3/4 कप दही ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1.5 गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है मोटे ग्रेटर से, जिधर मोटा साइड से ग्रेट करते हैं उधर से ग्रेट कर लिया है। कुछ पालक की पत्तियां ली हैं जो कटने के बाद 1/4 कप के करीब है, अच्छे से धोकर हमें इसे काटना है। इनो हम 1 चम्मच यूज करेंगे, खाने वाला ऑयल कोई भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे और पानी है। तो मैं आइए शुरू करती हूँ। तो हमने मिक्सिंग बाउल में पहले सूजी डाल लेंगे, उसके बाद ये नमक डाल देंगे, वेजिटेबल डाल देंगे और ये पालक डाल देंगे। और जब मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए बनाई तो उसका कहना था कि अरे वाह, इडली के अंदर पालक छिप गया। तो ये देखिए 3/4 कप के करीब ग्रेट करके हो गया है। तो गाजर डाल देंगे, बहुत हेल्दी इडली बनेगी ये। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, वेजिटेबल्स खाने का एक और अच्छा तरीका, बच्चों को इडली बहुत पसंद होती है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, कर्ड डालेंगे और आजकल मैं आपको बताऊं, कोल्ड कफ जो है वो बहुत फैला हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाएं। इसको हम करेंगे ऐसे मिक्स। घर का बना हुआ खाइए और हेल्दी खाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लीजिए, विटामिन सी का यूज करिए। और सब सबके लिए हम कामना करते हैं ईश्वर से कि सब अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह अच्छा अच्छा खाना एंजॉय करते रहें। ये देखिए, हम इसमें पानी डाल देंगे और इसका बैटर बनाएंगे। और देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब हम इसको 2-4 मिनट के लिए ही बस ढककर रखेंगे। तब तक हमने इडली के सांचे में अच्छे से ऑयल लगा लिया है ताकि हमारी इडली जो है वो आसानी से निकल जाए, और पानी को भी हमने गर्म होना रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए, और इसको मिक्स करेंगे। जब हम इडली की सारी तैयारी कर लें, ये ऑयल लगा लें, पानी गर्म हो जाए, तब बस हमें बनाते समय इनो डालना है। और अब हम इसको सांचे में डालेंगे। थोड़ा कम हम ऐसे भरेंगे इसको और इसको ऐसे सारे सांचे में डाल लेंगे। और ये देखिए, 12 इडली हमारी इस टोटल मिक्सचर में बन गई हैं। तो अब हम इसको प्लेस करते हैं इडली के कुकर में। पहले ये छोटा वाला जाएगा और फिर ये बड़ा वाला जाएगा, और हम इसको 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 15 या 16 मिनट्स के बाद चेक करेंगे बाकी का लो फ्लेम पर। ये हम इसको निकाल कर अब देख लेते हैं। 17 मिनट्स हो गए हैं और टूथपिक लगाते हैं हम, और ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लीन निकलती है। ठंडा होने के इंतजार करते हैं, इसको बाहर निकाल के ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, हमने चम्मच पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं आपको, देखिए गर्म है, अभी भी भाप निकल रही है, लेकिन मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया ये इडली बनकर तैयार है, फैंटास्टिक। तो ये इनकी करते हैं प्लेटिंग, इनको सबको निकाल लेते हैं। ये वेजिटेबल्स वाली इडली खाकर देखिएगा, आप चाहिए तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी प्लेन चटनी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
तो ये देखिए हमने प्लेटिंग जो है वो कर दी है, और पालक की इडली आपने खाई नहीं होगी, पीस कर मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन ये देखिए चटनी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और ये है हमारी यमी सी लगने वाली इडली। मैं आपको एक इडली तोड़कर दिखाती हूं, ये देखिए है ना जालीदार, कहीं से भी आप तोड़ लीजिए, कहीं से भी, ये देखिए कितनी फ्लफी और जालीदार इडली है। तो आशा करती हूँ आप जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।